नमस्कार, मैं हूं फिरोज हाशमी। आप देख रहे प्रहार टाइम्स। हर रोज हम आपको कोरोना से पीड़ित लोगों की खबरें बता रहे हैं। हर रोज नए नए केस और आंकड़े आप तक ला रहे हैं। आज मुमरा कौसा में 14 और नए केस सामने आए हैं। अब कोरोना के मरीजों की संख्या मुमरा कौसा में 90 पहुंची है। कल तक कोरोना मरीजों की संख्या 76 यानी 76 थी और आज 14 पेशेंट और मिलने से 90 पहुंची है। और आप लोगों से बार बार अपील कर रहे हैं, आप लोग सावधान रहें, घरों में रहें, लेकिन उसके बावजूद लोग घरों से बाहर बिना वजह निकल रहे हैं। आज मुमरा कौसा में हर गली में आप देखेंगे तो लोग जो है बेवजह भटक रहे हैं, कभी अफ्तारी के नाम पर तो कभी दवाइयों के नाम पर। इस तरह से बहाने बनाकर लोग सड़कों पर भटक रहे हैं। उन्हें ये नहीं मालूम है कि अगर किसी एक को कोरोना हुआ तो सिर्फ एक ही तक सीमित नहीं है, बल्कि वह अपने घर परिवार व कई लोगों को कोरोना फैलाता है, जिससे कई लोग संक्रमित होते हैं। आज यही वजह है कि आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। मुमरा कौसा में 90 आंकड़े पहुंचे हैं। महफूज अपार्टमेंट में भी एक कोरोना पेशेंट मिला है, जिसको लेकर महफूज इमारत को सील कर दिया है। इसी तरह जहां जहां कोरोना के पेशेंट पाए जा रहे हैं, उस स्थल यानी उस जगह उस इमारत को ठाणे महानगर पालिका सील कर रही है। ठाणे महानगर पालिका इस दौरान जिस इलाके में सेंसिटिव मामला देख रही है, उस एरिए को ब्रेकेटिंग वाल लगाकर या यूं कहें बंद कर रही है, रास्ते ब्लॉक कर रही है। लेकिन इस दौरान कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसमें डिप्टी कमिश्नर मनीष जोशी चेतावनी दे रहे हैं। पहले आप इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए। ये क्या चला क्या? ये क्या हुआ? गे उतर जा गे 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 कुठे कुठे तो व्हाईट टी शर्ट तिथे टी शर्ट वाला आहे बाहेर। ह्याला याला घेतला असतो ना, ह्याला घेतला असतो ना, कोण झालं साहेब? वरून दाखव तिकडे, वरून दाखवतो एक टी शर्ट वाला आहे। सरकारी काम में विरोध नहीं कर सकता कोई, नहीं कर रहे सर। इधर देखो, रखिए सामान जो है, समझता नहीं है काम करने से। कौन कर रहा है जा तो उसको भी कौन कर रहा सामान जो है। चलो बाजलो बाजलो बाजलो, इसको करने का हम आपके लिए काम कर रहे हैं। जाओ ना बे, ऐका ओ साहेब, तापर ओ साहेब, पकड़ लो आना तो आपने देखा ये वीडियो है जीवन बाग की, जहां पर टीएमसी ने ब्रेकेटिंग वाल लगाई थी और उस ब्रेकेट को जीवन बाग के एक महाशय ने खोल दिया, जिसके बाद मनीष जोशी के साथ टीएमसी के कर्मचारी उस महाशय के घर तक पहुंचे और वहां पर जाकर उस महाशय को पकड़े और उसके बाद उसे चेतावनी दिया, फिर उसे छोड़ दिया। लेकिन मनीष जोशी का कहना है, इस तरह से आगे किसी ने टीएमसी के कामों में दखल देने की कोशिश करेगा तो उस पर सख्त और ठोस कार्रवाई
किया जाएगा। इसके पहले मनीष जोशी ने बताया था 3 ऐसे लोगों पर मामला दर्ज किया है मुमरा कौसा में जो सरकारी कामों में अड़चने पैदा कर रहे थे या फिर बाधा डाल रहे थे। ये मैसेज सभी के लिए है, टीएमसी का सहयोग करें, नियम को फॉलो करें, क्योंकि कोरोना की संख्या दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है मुमरा कौसा में। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।